चलिए गुड मॉर्निंग करें जी शुरू। एक बुक दिखाओ जरा, आज हमारा लाइव सेशन है, बच्चों की रिमांड लगनी है थोड़ी। आज बुक बंद कर दो सारे अपनी। अब ये हमारा सेशन जो है ये पहले है कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स करने हैं, लेकिन उससे पहले फॉर्मूले हमको रिवाइज करने हैं। भाई साहब बुक बंद प्लीज। चलिए जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा और फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगा। 5 मिनट में सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाने चाहिए, राइट। चलिए आप बताइए जी टीएफसी की, टीएफसी का फॉर्मूला बताइए जो टीसी जीरो की होती है। टीएफसी का फॉर्मूला, टीएफसी व्हेन टीसी इज जीरो, सॉरी व्हेन आउटपुट इज जीरो, टीएफसी का फॉर्मूला क्या है? टीसी माइनस टीसी, टीएफसी की वैल्यू बताइए। जब आउटपुट जीरो होती है तो आप बोलेंगे टीएफसी जो है वो किसके इक्वल होती है? टीसी के इक्वल होती है। टीएफसी लिखवाया था मैंने, एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था फॉर्मूला? टीएफसी एट आउटपुट जीरो टीएफसी इज इक्वल टू टीसी बाय बाय। भाई आगे रीजन भी तो है, टीएफसी डिवाइड बाय आउटपुट और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यूनिट्स। हाँ जी मैडम जी आप बताइए यूनिट्स कौन सी होती है? व्हाट डू मीन बाय लेफ्ट साइड आती है राइट साइड आती है, कौन सी यूनिट्स होती है? आउटपुट वाली यूनिट्स होती है। तो ये जो मैंने यूनिट्स लिखी है ये आउटपुट की है। ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, कई बार बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं ये यूनिट कहीं वेरिएबल फैक्टर की तो नहीं है, कहीं ये फिक्स फैक्टर की तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर फैक्टर का रोल खत्म है क्योंकि हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं। कॉस्ट के अंदर यूनिट का मतलब आउटपुट। और अगर मैं आपको बोलूं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हाँ भाई साहब नाखून खाने वाले, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में यूनिट का क्या मतलब है? आप सुन गया? हाँ जी मैडम, हाँ जी आपकी क्या हालचाल है, आप बताइए। चश्मा वाले भाई साहब है, हम तो संत बंदे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी सर, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो टेबल बनता है उसका पहला कॉलम बनता है यूनिट, वो क्या होता है, किस चीज की होती है मेरे भाई? वेरी गुड, गलत है आपका आंसर। कहां से आउटपुट? सर वो वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स होती है जिनके साथ कंपेयर करके हम बताते हैं कि मेरा एमपी कितना बड़ा, फिर घटा क्यों माइनस हुआ। चले भाई साहब मोहित जी आप बताइए एमसी का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं दोनों बताइए। एमसी टीसी, हाँ ये वो क्यों बोल रहे हैं यार, बोर्ड में बैठे हैं इसके साथ तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। टीसी एम माइनस टीसी एम वन, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला हाँ जी दिलप्रीत जी, ज्यादातर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ऐसा क्यों? रीजन, हर चीज का रीजन है इकोनॉमिक्स में, तुक्के से हम कुछ नहीं पढ़ रहे। हमने मैंने आपको हर चीज का लॉजिक बताया है ताकि आपके माइंड में नॉलेज रहे, रटाफिकेशन नहीं चाहिए। मेन ये चीज है भाई, मैं दिख ही नहीं रहा हूँ, अब दिख रहा हूँ, यहाँ तक दिख रहा हूँ ना, अब आ जाओ ठीक, तो यही रहूंगा मैं। हाँ भाई बताओ सर,
हाँ, क्योंकि जीरो आउटपुट हम लेते हैं, जीरो आउटपुट का मतलब होता है टीएफसी का भी रोल कहीं ना कहीं आ गया, तो टीसी के अंदर टीएफसी भी आएगा। तो जब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा एमसी के लिए, तो जो जीरो आउटपुट पर है वहां पर भी कुछ झोलमाल आ जाएगा एमसी निकालते हुए, तो बेहतर है मैं टीवीसी का फॉर्मूला यूज करूं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, एसी का फॉर्मूला बता। हाँ, दो फॉर्मूले दोनों बताओ। यार फिर तू बोल रहा है बीच में, बुक तो बुक खोल के बोले जा रहा है साथ साथ। पढ़ा कि नहीं सीखे तुम बोल रहा हूँ। टीसी अपॉन आउटपुट, पहला है टीसी डिवाइड बाय आउटपुट यूनिट्स यानी आउटपुट, और एक है एएफसी प्लस एबीसी डिवाइड बाय एएफसी प्लस एबीसी प्लस एबीसी। नहीं देखिए, एक आपका फॉर्मूला होता है एबीसी बताना क्या होता है, टीसी इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीबीसी। अगर मैं इन दोनों को क्यू से डिवाइड कर देता हूं तो उससे बन जाएगा एसी इक्वल्स टू एएफसी प्लस एबीसी। तो ये दो मेन आपके फॉर्मूले हैं जो हमेशा याद होने चाहिए। सर, एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है और एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल को एवरेज की भी वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज। ये टीवीसी जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको मैंने डिवाइड कर दिया यूनिट के साथ। वेरिएबल कॉस्ट का ये ना जो चेंज होती रहती है मतलब आउटपुट। यस, ठीक है। तो इस कॉस्ट को मैंने यूनिट से डिवाइड किया तो एवरेज कितनी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो आ जाती है। हर लेवल पे एवरेज निकलता होगा ना, हर लेवल जैसे एक बोर्ड आया तो उसकी एवरेज हर लेवल के ऊपर निकल सकता है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बल्कि क्वेश्चन आपको नहीं वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप मुझे गाइड करेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है एवरेज फिक्स कॉस्ट एट थ्री यूनिट इज 4, और नीचे इन्होंने हमको दिया हुआ है आउटपुट और उसके बाद दिया है मार्जिनल कॉस्ट 9724812। अब हमको सारी कॉस्ट निकालनी है। अब आप मेरे को हेल्प करोगे और हम इसको निकालते हैं। हमको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी यहाँ एमसी के रिलेटेड होती है टीवीसी TFC, TC, ये तीन निकल गई, तो फिर उसके बाद AC, ABC, AFC, ठीक है? आप मुझे फॉर्मूला बताते जाएंगे और साथ में हम क्वेश्चन करते जाएंगे। जल्दी बताइए, TVC का होता है सिग्मा MC करते हैं। पहला रूल क्या बताया हुआ मैंने, ढंग से बताओ। एट आउटपुट वन क्या रूल है, एट आउटपुट वन एमसी इज इक्वल टू टीबीसी इज इक्वल टू एबीसी, याद है? तो एट आउटपुट वन एमसी इज इक्वल टू टीबीसी इज इक्वल टू एबीसी। आपको रूल अभी तक याद नहीं हुए, चार नंबर का फ्री फंड का क्वेश्चन है, उसमें कंफ्यूज हो क्या होगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। ये हो गया पहला रूल। अब हमको एक हिंट दिया हुआ है, क्या हिंट मिला मेरे को? तो टीएफसी का फॉर्मूला क्या हुआ फिर, एएफसी मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट जिसको मैं क्यू कह रहा हूँ। तो एएफसी है 4, मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो TFC कितना आ गया इस लेवल पर 12। ये सिंपल। अब आगे का हिंट क्या है, ये सारी TFC का फार्मूला होता है AFC का फार्मूला होता है TFC अपॉन Q। अब मुझे AFC भी दिया हुआ है, Q भी दिया हुआ है, TFC नहीं दिया, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही हमने मल्टीप्लाई किया यहां पर, तो ये आ गया। अब क्या रूल होता है जी,
अब सारे टीएफसी तो हो जाएगा, टीएफसी हर जगह पर सेम होती है, कर दो यहां पर 12 12। अब टीवीसी निकाले जरा, पहला रूल हमको पता चल गया था, तो मैंने 9 से सीधा 9 लिख दिया। अगली क्या लिखूं? 16। कैसे पता चला? 7 प्लस कर दो, 9 प्लस 7, ऐसे करो 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 2 18, 20, 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 20
TC का फॉर्मूला है TVC plus TFC. TFC. करो जिसको 21, 28, 30, 34, 42, 54. समझ में आ गई? ये हमारी TVC, TFC, TC तीनों निकल आई. इन तीनों को मैं Q से डिवाइड करूंगा तो ये वाली तीन वैल्यूज हमारे को आ सकती है. ठीक है, सबसे पहले AC की शुरुआत करते हैं. AC डिवाइड बाय 1 14, 10, 10, 10, 10, 4 से किया तो 8.5, 8 को किया तो 5, 8 को 54, 8.4, 6 से किया तो 6, 9 से 54, ABC को करना है तो TBC को डिवाइड करना है, पहला तो हमें पता ही था, सेकंड 8, 3rd को किया तो 6, 6, मतलब इसको डिवाइड करने हैं इससे. तीसरा हमें दिया हुआ था. अगला 2.4. ठीक है, अब एक बार रिविजन करते हैं. हमने इन सब कर्व्स की कुछ शेप्स पढ़ी थी जब हमने डायग्राम करे थे. ये मेरा वीडियो अलग आया हुआ है जिसमें डायग्राम्स है, बट आज हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारे वो सारे डायग्राम सूटेबल हैं या नहीं. सबसे पहले बताइए MC का डायग्राम क्या बन रहा है? MC की वैल्यूज देखकर बताओ. 9, 7, 2 ये नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है और बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, तो ये बन गया ऐसे हॉकी शेप. ठीक है, चलिए TVC का बताओ. ऊपर जा रही है, नीचे नहीं आ रही. भाई देख 9 से 43 पहुंच गई, नीचे कहां आई? वो बीच में जो स्लोली इंक्रीज हो गया उसकी भी तो अलग से शेप आ गई ना अपने आप. इनवर्सली एस शेप, इनवर्स एस. ठीक है, टीएफटी स्ट्रेट लाइन, टीसी इनवर्स एस, इनवर्स एस शेप. एसी डाउनवर्ड 21 से 14 10 8 इसका मिनिमम 8.4 मिनिमम फिर ऊपर बढ़नी शुरू हो गई बनेगी यू शेप, बट एमसी की तरह बहुत ऊपर नहीं जाएगी, हम इसको यू दिखाते हैं कि सीमा से रह जाएगी राइट साइड से. हां एबीसी सेम ऐसे बनेगी, सेम ऐसे 9 से मिनिमम पर पहुंची फिर बढ़ना शुरू कर दिया, ये भी यू शेप. एएफसी ये एस ये नीचे जाएगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. AFC देखो लगातार गिरती जा रही है, 12, 6, 4, 3, 2, 2 जो रेट हो रही है ऐसा सा नहीं बन जाएगा इसकी तरह. हाँ ऐसे तो बन रही है, बट ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बनेगी, ये x एक्सिस को टच नहीं करेगी, y को टच नहीं करेगी. ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा. सारे कर्व हो गए, क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, नोट कर दिए? मत कर, सिर्फ ये पॉइंट नोट करो, एक ये और एक MC, बाकी क्वेश्चन खुद करना है. हाँ ये कर लो. फिर एक अगला क्वेश्चन कराता हूं. सर एक बार बताना MC कैसे निकालोगे? MC बेटे हमको क्वेश्चन में गिवन थी, मान लो अगर ना गिवन हो तो TVC n माइनस CVC n माइनस 1. पहली एज इट इज 16 में से 9 गए, 18 में से 16 गए, 22 में से 18 गए, बाकी सारे तो इंटरचेंज. हां मतलब TFC निकल गया, फिर TVC TF और वो TC भी निकल लेंगे. चले जाके अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत ट्रिकी है, इसके बाद फिर मैं आपको दूंगा क्वेश्चन. देखिए ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, इसमें वो कहते हैं कंप्लीट द टेबल.
जो नहीं दिया उसको मैंने बॉक्स में डाला है, मतलब इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आई थी वो हमको फाइंड करनी थी। टीबीसी दिया हुआ आपका, चलिए जी ये है असली दिमाग की परीक्षा। क्वेश्चन पूरा दिख रहा है जी, ठीक है, वीडियो में बिंदास दिख रहा है, वीडियो में देख सकते हो, बाकी यहाँ भी देख सकते हो, हाँ चश्मा, इसका चश्मा है ना, ये देख लेगा, उससे भी कुछ अब देखो इसके अंदर ट्रिक क्या है, मैं बता रहा हूँ सीक्रेट ट्रिक है जो बच्चे नहीं समझ पाते। बच्चे जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो वो इसी के अंदर कुश्ती करते रह जाते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई बार इसके बॉक्स से बाहर भी जाना पड़ता है। बॉक्स से बाहर जाने का मतलब क्या है, यहाँ अलावा इसके टी एफ सी टी वी सी या टी सी ऐसी वैल्यूज को ढूंढकर यहाँ टेबल बनाना पड़ेगा, वो हमारी हेल्प करेंगे इन वैल्यूज को ढूंढने में। आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी जब लिखोगे तो आप इनको लिख सकते हो इन वैल्यूज को, ठीक है, जो यहाँ एक्स्ट्रा बनाओगे वो अलग बात है कि वो आप लिखी रहने दोगे उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उसकी वजह से आपको यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। बड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, रफ में कहीं और करेगा, बाकी टेबल यहाँ करेगा, गलती के चांस ज्यादा है। आप यहाँ लिख दोगे, टेबल बना दोगे, कभी कुछ नहीं। अब इसमें जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं उसकी ट्रिक के साथ देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। 10 सेकंड दे रहा हूं, नजर मारो। सर आउटपुट तो मैं बता दूंगा 1 2 3, हां वो ठीक है, बट लेट्स सी, ट्राई करते हैं कैसे आती है। एबीसी पहले निकलेगा, टीबीसी पहले, एमसीक्यू निकलेगा, टीसी। एक एक रूल बताओ, एक रूल बताया था मैंने आपको एट आउटपुट 1, क्या रूल था, ए टीसी इक्वल टू टीएफसी एट आउटपुट 1 मेरे भाई। अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया मैंने एट आउटपुट 1 एबीसी इक्वल्स टू एमसी इक्वल्स टू एबीसी, फिर तो क्या वो रूल यहां लगा सकता हूं मैं, रजिस्टर में से देख के बता रहा है सर, बोर्ड एग्जाम में रजिस्टर याद था मेरे थोड़ा एट आउटपुट। अब देखो आप मेरे जो मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं उससे आपका क्वेश्चन एकदम ऐसे सेकंड्स में होगा, लेकिन वो फॉर्मूले थोड़े माइंड में रखने पड़ेंगे। तो पहली ट्रिक बताइए एट आउटपुट 1 टीवीसी इज इक्वल टू एबीसी इक्वल्स टू एमसीसी, तो आप देखो आपका क्वेश्चन तो एक सेकंड में एक लेवल ही सॉल्व हो गया, लगा कितना आपको, मैक्सिमम 10 सेकंड भी नहीं लगे क्योंकि ट्रिक माइंड में थी। दूसरी ट्रिक क्या होती है, एमसी का फॉर्मूला क्या होता है, एबीसी माइनस टीवीसी एन माइनस 1, और टीवीसी का होता है सिग्मा एमसी। तो अब देखिए पहली टीवीसी तो सेम, सिग्मा एमसी का मतलब है इस टीवीसी में मैं इसको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 16, तो यहाँ आ जाएगा 16। अगली ट्रिक बताओ, ये जो 16 है एबीसी अपॉन आउटपुट भी दो रूट के वो इनटू माइनस करेंगे, हाँ वो भी होगा हाँ। अब टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1 से 27 में से 16 गए कितना बचा, तो 11 हो गया मेरा एमसी। अब 27 में 13 जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 40। अब 16 है टीवीसी, इसको मैंने एबीसी दिया हुआ है 8, तो टीवीसी को मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरी आउटपुट आ गई, ठीक है, ऐसे इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये वाली आउटपुट आ गई। अब बच गया ये कैसे आएगा, 27 डिवाइड बाय 3, तो कितना आया 9, हो गया सॉल्व। अब इस क्वेश्चन में अलग से नई वैल्यूज बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बट अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा उसमें वो वैल्यू बनानी पड़ेगी, क्लियर है, ठीक है, फिर वो आप करना, ये वाला क्लियर हो गया, चलो।